कितनी संभावना है कि रेल सेवाएं 14 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगी। क्या लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ तो रेल यात्रा चालू की जाएगी। हम आपको बता दें कि 14 अप्रैल के बाद ट्रेन सेवाएं शुरू होने की संभावनाएं सिर्फ 10% है। ये लॉकडाउन बढ़ेगा क्योंकि हमने इस लॉकडाउन का अभी तक मजाक बना रखा है। 7 अप्रैल 14वां दिन 25 मार्च के बाद है। तब तक अगर नए केसेस सामने आना कम हुआ तभी 14 अप्रैल के बाद कुछ उम्मीद की जा सकती है। चीन ने भी वुहान में 2 महीने का लॉकडाउन रखा था, तब वहां पर इस पर कंट्रोल पाया गया। वैसे चीन से सारे समाचार सेंसर होकर ही आते हैं, लेकिन ये सच है कि उसने सारे विश्व को इस बीमारी में फंसाकर और खुद उबर कर अपनी चाल चलती है। अब देखना ये है कि इससे विश्व कैसे निपटता है। अभी हम भारतीय तो इसी में खुश हो रहे हैं कि हमारे यहाँ मौतें सबसे कम हो रही है। अभी कल देखा नहीं, बड़े शहरों से बड़ी संख्या में गरीब मजदूरों का कैसे भीड़ में पलायन हो रहा है। 26 या 27 मार्च 2020 की रात में माल गाड़ियों और खाली पैसेंजर ट्रेन के रैक जो कि अपनी पेरेंट डिवीजनों और जोन्स में लौट रहे थे, उनमें झांसी रेलवे स्टेशन से 800 अनअधिकृत यात्री उतारे गए। तुरंत DRM, DM और अन्य रेल अधिकारी स्टेशन पहुंचे। उन यात्रियों का टेम्परेचर चेक किया गया और आइसोलेशन में रखकर उनके भोजन की व्यवस्था की और उन्हें बस और ट्रेन से भी उनके गंतव्य तक भिजवाया गया। वो मजदूर भिंड, मुरैना और बुंदेलखंड इलाके के थे। 3 संदिग्धों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। ऐसे ही छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश की लेबर पंजाब, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद से लौटने को तैयार है। कुछ तो पैदल भी चल दिए हैं। इससे शहरों से गांवों में संक्रमण फैलेगा और बस हम थर्ड स्टेज में पहुंच जाएंगे। तो स्पष्ट है कि अभी 14 अप्रैल के बाद रेल सेवाएं शुरू होने की संभावनाएं ना के बराबर है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी कई और दिलचस्प खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।